नमस्कार दोस्तों, दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में अभी हो रहे वार्ड कार्यान्वयन समिति के सचिव व सदस्यों के चुनाव को लेकर मारामारी की स्थिति देखी जा रही है। दरअसल सचिव का पद ग्रामीणों के बीच हॉट केक बन गया है। इस बार कब्जा जमाने को लेकर लोगों के बीच होर मचा हुआ है। इसके चलते वार्ड सचिव व सदस्यों का चुनाव विवादों में घिरते जा रहा है। कई पंचायतों में चुनाव को स्थगित कर देना पड़ा तो कई पंचायतों में चुनाव में मनमानी व अनियमितता को लेकर आरोप भी लगाते हुए दर्जनों आवेदन प्रखंड में पड़ चुके हैं। दरअसल पंचायत चुनाव के बाद अब विभिन्न प्रखंडों में कार्यान्वयन समिति के सचिव तथा सदस्यों का चुनाव प्रारंभ हुआ है। यह वार्ड आम सभा द्वारा करना है। इसके लिए प्रखंड से पंचायतों में नोडल पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्त की गई है, लेकिन यह देखा जा रहा है कि अधिकतर पंचायत में वार्ड कार्यान्वयन समिति के सचिव का चुनाव विभिन्न पंचायतों में विवाद का केंद्र बनता जा रहा है। दरअसल इसमें नोडल पदाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध रूप से नजर आ रही है। जानकार बताते हैं कि वार्ड कार्यान्वयन समिति के द्वारा ही विकास संबंधी कार्य कराना होगा, जिसमें उन्होंने पहले ही आमदनी को देखकर इस बार सचिव बनने की होड़ मची हुई है, जो विवाद का केंद्र बन गया है। योजनाओं में हनुमान जी तथा बंदरबांट के लिए वार्ड सदस्य अपने चेहते को सचिव बनाना चाह रहे हैं, जिसका कई पंचायतों में ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इसी विवाद के बीच दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड में गुरुवार को मध्य विद्यालय मोटगा के प्रांगण में बघौनी पंचायत के वार्ड 9 के वार्ड सदस्य नफीसा खातून और बघौनी पंचायत के वार्ड सचिव विष्णुदेव पासवान एवं मुखिया के मौजूदगी में वार्ड सचिव का गठन हुआ, जहां मतदान कराकर नए सचिव को चुना गया, जिसमें मोहम्मद उबैदुल्ला को 85 वोट मिला और मोहम्मद महमूद आलम को 75 वोट मिला, जिससे मोहम्मद उबैदुल्ला को विजय प्राप्त हुआ। लेकिन इसी बीच काफी गहमा गहमी का माहौल भी बना रहा। वहीं संवाददाता दरभंगा से मोहम्मद सिफतुल्ला की यह खास रिपोर्ट।